हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरुण कुमार गौर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिस सब्जेक्ट इज इन द डिप्लोमा एज वेल एज द बीटेक लेवल इन द डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेस। इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न अबाउट द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इन टू द फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स। इट मीन्स जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो फाइनली जो उसको जो कन्वर्ट करना है हमने फाइनल प्रोडक्ट में। द प्रोसेस कैन बी डिवाइड इन टू थ्री मेन स्टेजेस। फर्स्ट इज द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में हमें रॉ मटेरियल चाहिए और जो रॉ मटेरियल है उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं डिफरेंट मशीन्स पर और उसके बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। ओके, होता क्या है कि जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम उसको सेम मानते हैं, बट उसमें डिफरेंस डिफरेंस क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ सब सेट ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द टेंजिबल गुड्स। इट मीन्स कि जो जिन गुड्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। लाइक जैसे कार बनती है, फर्नीचर है, कोई भी आइटम है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो जो भी बनेगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ओके। दूसरा क्या रहता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स बोथ द क्रिएशन ऑफ टेंजिबल एज वेल एज द इनटेंजिबल थिंग्स। इट मीन्स कि जो चीजों को हम छू सकते हैं और जिनको हम नहीं छू सकते, ये दोनों जहां बनती है, जहां दोनों ये सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको सबको इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन में। इनटेंजिबल थिंग्स कैसे हैं? जैसे कोई फिल्म का प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, तुमने काफी बार सुना होगा कि फिल्म का ये प्रोडक्शन हाउस है, ये प्रोडक्शन हाउस है। ये सब फिल्म जो बनती है, फिल्म को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ वॉच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो इनटेंजिबल है बट बन तो रही है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और जैसे अपना ये होटल इंडस्ट्री है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी प्रोडक्शन में ही काउंट होती है। जितना भी सर्विस सेक्टर है वो सारा प्रोडक्शन में काउंट हो सकता है। ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। ठीक है, तो बेसिक ये इसमें डिफरेंस होता है। ओके, अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी जो इम्पोर्टेंस है हम दो टाइप में काउंट करते हैं। फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड इज द इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट हम जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो हमारे हमारी कंट्री में है, हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो टेक्नोलॉजी यूज करके जो हम उसमें एनहांसमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजिकली जो एनहांसमेंट होता है, वो सारा एक उसका एक पॉइंट है, उसका एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है कि जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में हमने कुछ उसमें चेंजेस किए तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, जैसे एक डायमंड होता है, डायमंड जब माइन से निकलता है तब उसकी वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू जब उसको हम फिनिश्ड कर देते हैं। मीन्स उसमें जब कटिंग करते हैं, जितना उसमें शाइन करेगा वो सब उसका वैल्यू बढ़ जाती है। मीन्स उसका जो उसकी जो वैल्यू बढ़ गई, हम उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है। तो दो चीजें रहती हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्या रहता है? जो टाइप्स, इंडस्ट्री के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द प्राइमरी। प्राइमरी में क्या रहेगा? प्राइमरी में तुम्हारा आएगा कि जो एग्रीकल्चर है, मीन्स जो बेसिक जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे माइनिंग है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल निकलता है, ये सब क्या है? ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। और सेकेंडरी में क्या आएगा? मीन्स उससे जब हमने प्रोडक्ट जो हमारा जो बन गया है, लाइक एरोस्पेस वगैरह है, ऑटोमेटिक, मीन्स जो गाड़ियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, जितना कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब जितना भी है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और थर्ड में क्या आता है? थर्ड में सर्विस सेक्टर आ जाता है। ठीक है, लाइक बैंकिंग है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, लाइक जितना ये सब है ये सारा थर्ड इंडस्ट्री में आता है, इसको बोलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट चीज है कि टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, इसमें ना चार टाइप्स रहते हैं। चार टाइप्स कैसे रहेंगे? एक रहता है प्रोजेक्ट, सेकंड जॉब शॉप, थर्ड होता है बैच एंड फोर्थ मास प्रोडक्शन। ठीक है, इनमें तुमने नाम से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने लास्ट में बोला मास प्रोडक्शन, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी लगा बोल सकते हैं, ज्यादा वो नहीं है।
अच्छा, प्रोजेक्ट में क्या रहता है? जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मीन्स जहां पर हमने एक लोकेशन है, जैसे एक ब्रिज बनाना है, तो जितना रॉ मटेरियल है, सीमेंट है, बादरपुर है, जितना भी रॉ मटेरियल है सब हम वहीं लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? मीन्स जहां पर प्रोडक्ट को बनाया जाएगा वहां पर सारा का सारा इक्विपमेंट्स और मशीनरी, रॉ मटेरियल सब वहीं लेकर आ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि जैसे पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में पेशेंट है, जितना मशीनरी है, जितना इक्विपमेंट है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट जो भी रहता है, वो सारा पेशेंट के पास आता है, ना कि ये कि पेशेंट को हम पहले एक जगह ले जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसा नहीं करते ना। जितनी भी मशीन्स हैं, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं, वो सब के सब उसी प्लेस पर आते हैं, ठीक है? तो ये है प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। इसमें दूसरा एग्जांपल है ये तुम्हारा, जैसे शिप बनता है, शिप्स बनते हैं, शिप्स को अब ऐसा तो है नहीं पहले हम शिप यहाँ किसी फैक्ट्री में बनाएंगे फिर उसको वहां शिफ्ट करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शिप को वहीं पर ही बनाना पड़ेगा, समुद्र के पास में ही। अच्छा, नेक्स्ट है जॉब शॉप। जॉब शॉप में क्या है कि जैसे इसमें वॉल्यूम कम रहता है, वैरायटी ज्यादा होती है। जैसे तुम्हारा एक शूज है, शूज का काफी सारे डिजाइन है, और उसमें क्या है कि मतलब तुमने जैसे 10-10 पेयर बनाने हैं और वैरायटी तुम्हारे पास 50 है, तो इसको हम कहेंगे जॉब शॉप। मीन्स प्रोडक्शन तो कम है उसका, ठीक है, बट वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसलिए इसमें क्या रहता है कि जैसे तुम्हें कोई पैटर्न बनाना है, जैसे तुम फाइनल ईयर में जाने के बाद तुम कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और तुम्हें कुछ बनवाना पड़ेगा, कोई ऐसा पार्ट है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, उसको तुम्हें बनवाना है, तो तुम क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, उसके लिए तुम्हें ऐसे ही किसी कंपनी में जाना पड़ेगा जहां पर वैरायटी बनाते हैं, प्रोडक्ट्स की वैरायटी होती है बट वॉल्यूम कम होता है, वो तुम्हें एक सैंपल बनाकर दे देंगे, बट बड़ी कंपनी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है जैसे तुम्हारा बेकरी है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एक टाइप का, मतलब पूरा एक बैच निकलता है, एक टाइप का जैसे बिस्किट बना, एक शेप है, एक उसका एक पूरा बैच बना दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही कोई भी एक टूल बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है जो बैच में बनेगा, तो उसको हम बैच प्रोडक्शन में काउंट करते हैं, बट इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, और बैच प्रोडक्शन में और कॉन्टिन्यूस या मास प्रोडक्शन में डिफरेंस यही होता है कि उसमें हम कॉन्टिन्यूसली एक ही पार्ट बना रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम एक स्मॉल स्मॉल इंटरवल पर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली बनता है, उसका मीन्स प्रोडक्शन काफी हाई होती है, इसीलिए उसमें जो लेबर कॉस्ट होती है, बाकी जितने पहले वाले जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स जो रहती हैं उनमें लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, बट मास प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है? इसका ये एडवांटेज है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हम उसमें अपना ये रहेगा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, जो उनका जो ब्रीफिंग रहेगी, मीन्स जो कास्टिंग, फाउंड्री, फॉर्मिंग, मेटल वर्किंग, ये जितना भी प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है? इट्स अ जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।